बच्चे जो आए हुए हैं पाकिस्तान से, ये तो अच्छे हैं, ये हमारे मित्र हैं, रोज आते हैं, अब ये क्या कर लेंगे बताइए। इसलिए मैं इनके लिए रोज क्वेश्चन पेपर बना के लाता हूँ, और 1000-2000 इनका अगर ये उत्तर देंगे तो मैं 1000-2000 रुपए इनको भिजवाता भी हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को पैसे भी चाहिए ना। तो मोना जी के लिए पहला प्रश्न है, मोना जी आपके लिए पहला प्रश्न है, आवाज पहचानिए, ये आवाज पहचानिए किसने कहा, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये किसने कहा और कहाँ कहा बताइए। चार चॉइस है अफ्रीका, सेकेंड चॉइस है होनोलुलु, थर्ड चॉइस है जिसको थर्ड चॉइस है पीओके, और फोर्थ चॉइस आप बताइए श्रीलंका, बताइए इनमें से किसने, कहाँ पे हुआ ये घटना, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आपका समय शुरू होता है अब, प्लेनरी सेशन है एफएटीएफ का पेरिस, फ्रांस में प्लेनरी सेशन है, और एफएटीएफ ने ऐलान कर दिया है कि ये जो ग्रे जोन में इन्होंने पाकिस्तान को डाला था, अब इनको वो ब्लैक जोन में डालेंगे, अर्थात ये जो भीख की कटोरी लेके पाकिस्तान बाकी देशों से पैसा मांगता था, अब एक फूटी कौड़ी भी कोई देश पाकिस्तान को नहीं देगा। और आप जानती हैं अंजना जी, जो व्हाइट पेपर एफएटीएफ ने जारी किया है कि क्यों इनको ब्लैक जोन में डालने वाले, उसमें एक मुख्य बात है कि 27 पॉइंट्स एफएटीएफ ने डिमांड किया था कि पाकिस्तान को ये 27 पॉइंट पे खरा उतरना पड़ेगा, तब जाके उनको ग्रे जोन से हटाएंगे, मगर 27 में से केवल 4 पॉइंट पे पाकिस्तान खरी उतरने की कोशिश कर रही है, बाकी तो वो कर ही नहीं रही है। 100 ऐसे आतंकवादी थे पाकिस्तान के अंदर जो कि यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी है, एफएटीएफ ने कहा इन सबको पकड़ो, इन सबको जेल में डालो, ये अभी तक 3 को पकड़ पाए हैं, वो हाफिज चच्चा, जो इनके हाफिज चच्चा है ना, जिसको ये हाफिज चच्चा मानते हैं, हाफिज सईद को इलेक्शन लड़वाते थे, उसके माले पहनाते थे, उसकी आरती उतारते थे, अब उसको लाके बोल रहे थोड़े दिन यहाँ बैठ जाओ हाफिज चच्चा, थोड़े दिन यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि अभी एफएटीएफ वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो ये 3 पकड़ के लाए हैं अभी तक, बाकी 97 खुले में घूम रहे हैं। तो आप बताइए ऐसे कंट्री का हाल क्या होगा। और देखिए अंजना जी, आप बुरा मत मानिएगा, हमारे दोनों भाई बहन यहाँ पाकिस्तान के बैठे हुए हैं, हिंदी में एक कहावत है, बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज, ये एक मुहावरा है, बाप ने मारी मेंढकी और बेटा तीरंदाज। अब ये इमरान खान तो वहाँ घिर चुके हैं, अब ये दोनों बच्चे जो आए हुए हैं पाकिस्तान से, ये तो अच्छे हैं, ये हमारे मित्र हैं, रोज आते हैं, अब ये क्या कर लेंगे बताइए। इसलिए मैं इनके लिए रोज क्वेश्चन पेपर बना के लाता हूँ, और 1000-2000 इनका अगर ये उत्तर देंगे तो मैं 1000-2000 रुपए इनको भिजवाता भी हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को पैसे भी चाहिए ना। तो मोना जी के लिए पहला प्रश्न है, मोना जी आपके लिए पहला प्रश्न है, आप जरा इसका ध्यान से सुनिए, कौन बनेगा करोड़पति। 2000 रुपए संबित जी यहीं पर रोक रही हूँ। पाकिस्तान से जो भाई बहन आते हैं डिबेट के लिए, ताकि उनको मैं ये सवाल पूछ सकूं और कुछ रकम भी उनको दे सकूं, तो ये 1000 रुपए के लिए हमारी बहन मोना आलम जी का प्रश्न है। प्रश्न है कि मोना जी, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक, सुन लीजिए मोना जी, सुनिए मोना जी प्रश्न, मोना जी प्रश्न सुन लीजिए ऐसे नहीं लड़ते हैं मोना जी, प्रश्न सुन लीजिए। प्रश्न है किसने कहा, ये आवाज पहचानिए किसने कहा, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये किसने कहा और कहाँ कहा बताइए। चार चॉइस है अफ्रीका, सेकेंड चॉइस है होनोलुलु, थर्ड चॉइस है पीओके, और फोर्थ चॉइस आप बताइए श्रीलंका, बताइए इनमें से किसने, कहाँ पे हुआ ये घटना, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आपका समय शुरू होता है अब, आप उत्तर दे सकती है, आप फोनो फ्रेंड कर दीजिए, तारिक पीरजादा को फोन कर दीजिए, आपको पता नहीं है तो फोनो फ्रेंड, क्योंकि क्योंकि इंडिया होनोलुलु से कोई कम नहीं है, और आपके फॉर्मर पुलिस चीफ ऐसे मुशर्रफ कह चुके हैं कि 26-11 नहीं नहीं फेल हो गई है, आपको 1000 रुपए नहीं मिलेंगे। अब आप दूसरा प्रश्न कमर चीमा से, आप फेल हो गई, आपको नहीं मिलेगा 1000 रुपए। अब ये आप 500 रुपए के लिए दूसरा प्रश्न कमर चीमा से, ये आखिरी प्रश्न है अंजना जी, मैं जल्दी से कमर चीमा जी से प्रश्न पूछता हूँ। कमर चीमा जी, आपने कहा कि आजादी की लड़ाई है, आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए हम सारे विश्व के देशों को समझाएंगे, थोड़ी कमर चीमा जी से प्रश्न, संबित जी रकम नहीं, रकम बढ़ाई, रकम 500
इसलिए अंजना जी के डिमांड पे ये 2000 रुपए के लिए, ये 2000 रुपए के लिए, ये 2000 रुपए के लिए हम कमर चीमा जी से प्रश्न पूछते हैं। कमर चीमा जी, आपने कहा कि आजादी की लड़ाई है और हम जाके सारे विश्व में सभी देशों को समझाएंगे, तो आपका प्रश्न है किस देश के विदेश मंत्री ने कहा था, किस देश के विदेश मंत्री ने कहा था, नो वन इज वेटिंग फॉर अस फॉर विथ अ गार्लैंड इन हैंड, कोई भी देश हमारे लिए फूलों का हार लिए वेट नहीं कर रहा है, हम तो समझा समझा के थक गए मगर पूरी दुनिया इंडिया की बात मान ले रही है, किस देश के विदेश मंत्री ने कहा था। मैं चॉइस दे रहा हूं, नंबर वन पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरेशी, नंबर टू साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्री, नंबर थ्री भूटान के विदेश मंत्री, नंबर फोर मॉरिशस के विदेश मंत्री। आपका समय शुरू होता है अब, बताइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ये 2000 रुपए के लिए सोच समझ के बताइएगा, सोच समझ के। 2000 रुपए बहुत बड़ा रकम है, ये आपकी आर्थिक मंदी चल रही है, वहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, बहुत सोच समझ के बताइएगा। 2000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, इसको अभी आप रिसर्च भी कर सकते हैं। बड़ी इकोनॉमी चलाई है, 5 करोड़ में कितने जीरो है? एक सेकंड कमर चीमा, 5 करोड़ में कितने जीरो है, आप चिंता मत करो मेरे भाई, आप तो 5 करोड़ रुपए बोल कैसे पा रहे हो ये तो मैं समझ नहीं पा रहे हो। आप पहले ये बताओ कि 2000 रुपए के लिए जो प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर दो। मैंने कहा मैं वो सवाल क्या पूछ रहे हो भैया, ने हमें हमें क्या पूछ रहे हो आप भैया, आपको तो इमरान खान को वहाँ पस्त किया पड़े, आपको तो इमरान खान वहाँ पस्त पड़ा हुआ है, हमें क्या आप सवाल पूछ रहे हो, आप छोड़ दो जीरो को, छोड़ दो मेरे भैया, आपके रास्ते को छोड़ दो, हमें तो जीरो जीरो को छोड़ दो, आपको 2000 रुपए के प्रश्न पूछा गया, जवाब मुझे नहीं पता। 5 करोड़ में कितने जीरो है संबित? जवाब देता हूँ संबित जी, संबित जी लगातार डिनायल के मोड, कुरेशी है उत्तर, डिनायल के मोड में क्या है? कुरेशी साहब बिल्कुल डिनायल के मोड में है, उत्तर है मोना आलम, आप डिनायल के मोड में हैं, आप डिनायल के मोड में हैं, आपके प्रधानमंत्री ने अमेरिका में खुद माना। प्लेनरी सेशन है FATF का पेरिस, फ्रांस में प्लेनरी सेशन है, और FATF ने ऐलान कर दिया है कि ये जो ग्रे जोन में इन्होंने पाकिस्तान को डाला था, अब इनको वो ब्लैक जोन में डालेंगे, अर्थात ये जो भीख की कटोरी लेके पाकिस्तान बाकी देशों से पैसा मांगता था, अब एक फूटी कौड़ी भी कोई देश पाकिस्तान को नहीं देगा। और आप जानती हैं अंजना जी, जो व्हाइट पेपर FATF ने जारी किया है कि क्यों इनको ब्लैक जोन में डालने वाले हैं, उसमें एक मुख्य बात है कि 27 पॉइंट्स FATF ने डिमांड किया था कि पाकिस्तान को ये 27 पॉइंट पे खरा उतरना पड़ेगा, तब जाके उनको ग्रे जोन से हटाएंगे, मगर 27 में से केवल 4 पॉइंट पे पाकिस्तान खरी उतरने की कोशिश कर रही है, बाकी तो वो कर ही नहीं रही है। 100 ऐसे आतंकवादी थे पाकिस्तान के अंदर जो कि UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी है, FATF ने कहा इन सबको पकड़ो, इन सबको जेल में डालो, ये अभी तक 3 को पकड़ पाए हैं, वो हाफिज चच्चा, जो इनके हाफिज चच्चा है ना, जिसको ये हाफिज चच्चा मानते हैं, हाफिज सईद को इलेक्शन लड़वाते थे, उसके माले पहनाते थे, उसकी आरती उतारते थे, अब उसको लाके बोल रहे थोड़े दिन यहाँ बैठ जाओ हाफिज चच्चा, थोड़े दिन यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि अभी FATF वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो ये 3 पकड़ के लाए हैं अभी तक, बाकी 97 खुले में घूम रहे हैं, तो आप बताइए ऐसे कंट्री का हाल क्या होगा। और देखिए अंजना जी, आप बुरा मत मानिएगा, हमारे दोनों भाई बहन यहाँ पाकिस्तान के बैठे हुए हैं, हिंदी में एक कहावत है, बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज, ये एक मुहावरा है, बाप ने मारी मेंढकी और बेटा तीरंदाज। अब ये इमरान खान तो वहाँ घिर चुके हैं, अब ये दोनों बच्चे जो आए हुए हैं पाकिस्तान से, ये तो अच्छे हैं, ये हमारे मित्र हैं, रोज आते हैं, अब ये क्या कर लेंगे बताइए। इसलिए मैं इनके लिए रोज क्वेश्चन पेपर बना के लाता हूँ, और 1000-2000 इनका अगर ये उत्तर देंगे तो मैं 1000-2000 रुपए इनको भिजवाता भी हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को पैसे भी चाहिए ना। तो मोना जी के लिए पहला प्रश्न है, मोना जी आपके लिए पहला प्रश्न है, आप जरा इसका ध्यान से सुनिए, कौन बनेगा करोड़पति? 2000 रुपए। समझ जी यहीं पर रोक रही हूँ। पाकिस्तान से जो भाई बहन आते हैं डिबेट के लिए, ताकि उनको मैं ये सवाल पूछ सकूं और कुछ रकम भी उनको दे सकूं, तो ये 1000 रुपए के लिए हमारी बहन मोना आलम जी का प्रश्न है। प्रश्न है कि मोना जी, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक, सुन लीजिए मोना जी, सुनिए मोना जी, प्रश्न सुनिए मोना जी, प्रश्न सुन लीजिए ऐसे तो ऐसे नहीं लड़ते हैं मोना जी, प्रश्न सुन लीजिए, प्रश्न है किसने कहा, ये आवाज पहचानिए, ये आवाज पहचानिए किसने कहा, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये किसने कहा और कहां कहा बताइए। 4 चॉइस है अफ्रीका, सेकंड चॉइस है होनोलुलु, थर्ड चॉइस है
जिसको थर्ड चॉइस है पीओके और फोर्थ चॉइस आप बताइए श्रीलंका, बताइए इनमें से किसने, कहां पे हुआ ये घटना, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आपका समय शुरू होता है अब, आप उत्तर दे सकती है, आप फोनो फ्रेंड कर दीजिए, तारिक पीरजादा को फोन कर दीजिए, आपको पता नहीं है तो फोनो फ्रेंड, क्योंकि क्योंकि इंडिया होनोलुलु से कोई कम नहीं है। अच्छा। और आपके फॉर्मर पुलिस चीफ एस एम मुशर्रफ कह चुके हैं कि 26/11 नहीं नहीं फेल हो गई है, आपको ₹1000 नहीं मिलेंगे। अब दूसरा प्रश्न कमर चीमा से, आप फेल हो गई, आपको नहीं मिलेगा ₹1000। अब ये आप ₹500 के लिए दूसरा प्रश्न कमर चीमा से, ये आखिरी प्रश्न है। अंजना जी मैं जल्दी से कमर चीमा जी से प्रश्न पूछता हूँ। कमर चीमा जी आपने कहा कि आजादी की लड़ाई है, आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए हम सारे विश्व के देशों को समझाएंगे। थोड़ी कमर चीमा जी से प्रश्न, संबित जी रकम नहीं नहीं रकम थोड़ी रकम बढ़ाई है, रकम 500 इसलिए अंजना जी के डिमांड पे ये ₹2000 के लिए, ये ₹2000 के लिए हम कमर चीमा जी से प्रश्न पूछते हैं। कमर चीमा जी आपने कहा कि आजादी की लड़ाई है और हम जाके सारे विश्व में सभी देशों को समझाएंगे, तो आपका प्रश्न है किस देश के विदेश मंत्री ने कहा था, किस देश के विदेश मंत्री ने कहा था नो वन इज वेटिंग फॉर अस फॉर विद अ गार्लैंड इन हैंड, कोई भी देश हमारे लिए फूलों का हार लिए वेट नहीं कर रहा है, हम तो समझा के थक गए मगर पूरी दुनिया इंडिया की बात मान ले रही है, किस देश के विदेश मंत्री ने कहा था। मैं चॉइस दे रहा हूं, नंबर वन पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरेशी, नंबर टू साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्री, नंबर थ्री भूटान के विदेश मंत्री, नंबर फोर मॉरिशस के विदेश मंत्री। आपका समय शुरू होता है अब, बताइए 10, 9, 8, 7, 6 5, 4, ये ₹2000 सोच समझ के बताइएगा, सोच समझ के, ₹2000 बहुत बड़ा रकम है, ये आपकी आर्थिक मंदी चल रही है, वहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, बहुत सोच समझ के बताइएगा, ₹2000 बहुत बड़ी रकम होती है, इसको अभी आप रिसर्च भी कर सकते हैं। मोदी जी बड़ी इकोनॉमी चलाई है, 5 करोड़ में कितने जीरो हैं? एक सेकंड कमर चीमा, अरे 5 करोड़ में कितने जीरो है, आप चिंता मत करो मेरे भाई, आप तो 5 करोड़ रुपए बोल कैसे पा रहे हो ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप पहले ये बताओ कि ₹2000 के लिए जो प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर दो। मैंने कहा मैं वो सवाल क्या पूछ रहे हो भैया, नहीं हमें हमें क्या पूछ रहे हो आप भैया, आपने तो इमरान खान को वहाँ पस्त किया पड़े, आपको तो इमरान खान वहाँ पस्त पड़ा हुआ है, हमें क्या आप सवाल पूछ रहे हो, छोड़ दो मेरे भैया, आपको ₹2000 के लिए प्रश्न पूछा गया, जवाब मुझे नहीं पता, 5 करोड़ में कितने जीरो है संबित, जवाब देता हूँ संबित जी, संबित जी लगातार डिनायल के मोड, कुरेशी है उत्तर, डिनायल के मोड में क्या है, कुरेशी साहब बिल्कुल डिनायल के मोड में है, मोना आलम आप डिनायल के मोड में है, आप डिनायल के मोड में है, आपके प्रधानमंत्री ने अमेरिका में खुद माना।